पप्पू मैंने बहुत सोचा, इतना सोचा इतना सोचा इतना सोचा कि सोचते सोचते अचानक मेरी सोच उस सोच पर जाके रुकी जहां जाकर सारी की सारी सोच सोचती रह जाती है। ये सोच हेमांग दवे जी हमारे साथ जुड़े हैं अपनी सोच और विचार को शेयर करने के लिए। जब इलेक्शंस का माहौल है एंड वी ऑल आर ओवर हियर इन अहमदाबाद एंड देयर इज अ वेरी हाई वोल्टेज पॉलिटिकल कैंपेनिंग हैपनिंग ऑल अक्रॉस, लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड फ्रॉम फेमस गुजराती एक्टर मिस्टर हेमांग दवे, हु जस्ट स्पोक सम फ्यू लाइंस फ्रॉम हिज फिल्म थई जशे, एक ऐसी फिल्म जो गुजरात में बड़ी हिट हुई और हेमांग दवे भी अपने आप में एक सुपर हिट हीरो है, गुजरात के हर दिल में धड़कने वाले ऐसे हीरो है और एक्टर है। इसी हेमांग दवे से आज बात करेंगे। सर ये समझ आप जो अब बात कर रहे थे और पप्पू इनका भी आपने नाम लिया, ये पप्पू और ये समझ और ये सारी चीज़ें कहाँ और किस तरह से जो है पहुँची? ये जो है वो एक फिल्म का सीन है जिसमें मल्हार ठाकर जो हमारे गुजरात के हार्ट थ्रॉब हैं उनके साथ की एक फिल्म है थई जशे मेरी, तो उसमें ये सीन था। लेकिन बाकी तो पप्पू कौन है सबको पता ही है क्या नहीं है। इलेक्शंस आर अभी सर पे हैं और बहुत सारी तैयारियां हो रही है, बहुत सारे कैंपेन्स हो रहे हैं, सो वी ऑल आर कीपिंग बिजी विद इलेक्शंस एज वेल। एंड फिर हमारा काम है जो एक्टिंग का मेन काम है वो भी, उसमें भी हम बिजी हैं। आज ही मेरी एक फिल्म रिलीज हुई है मेडल, तो उसी की सब दौड़ा दौड़ी भी चल रही है और ये इलेक्शन का भी काम है, तो बहुत मज़ा आ रहा है कीपिंग आवर सेल्व्स वेरी बिजी विथ ऑल दिस थिंग्स। और इस बार इलेक्शन का माहौल बहुत अलग है, लेकिन बीजेपी का मैं पहले से हार्ट थ्रॉब फैन हूँ और नरेंद्र सर का मैं पहले बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, नरेंद्र मोदी जी का। तो मुझे जो अच्छा लगता है बीजेपी में वो है नरेंद्र जी की सोच, उनके जो विजन है, ही इज़ अ वेरी विजनरी पर्सन, और उनके आने से हमें गुजरात में काफ़ी इम्प्रूवमेंट दिखा है, जो पिछले सालों में नहीं था वो अभी काफ़ी इम्प्रूव हुआ है, हमें वो चेंज दिख रहा है। और जो बाहर से आते हैं, मतलब जो दिल्ली से आते हैं, बॉम्बे से आते हैं, जो काफ़ी सालों में गुजरात में नहीं आए हैं, तो उनको अचानक बहुत यूनिक मतलब गुजरात दिख रहा है, क्योंकि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी हो गया, उसके लिए उसकी वजह से हमारा टूरिज़्म काफ़ी बढ़ गया है, रिवर फ्रंट हो गया जो मेरे घर के एग्जैक्ट पीछे है, तो वो एक अट्रैक्शन हो गया है। और इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर बात करें तो इंफ्रास्ट्रक्चर जो अभी अहमदाबाद में या गुजरात में जो हो रहा है, दैट इज़ बीटिंग ऑल ओवर इंडिया अभी राइट नाउ। अरविंद केजरीवाल अपना दिल्ली का मॉडल लेकर आते हैं, आप इसको किस तरह से देखते हैं? वो कहते हैं कि किस तरह से वहाँ का एजुकेशन का मॉडल हो, हेल्थ का मॉडल वो सुपर से भी ऊपर है और गुजरात मॉडल इज़ फेलियर। मैम हमने तो दिल्ली में ना जाके नहीं देखा है क्या है क्या नहीं है, लेकिन वो कितनी हद तक सक्सेसफुल है वो तो हमें सबको दिख रहा है, क्योंकि अगर ऐसा अगर वो होते तो इतनी जद्दोजहद नहीं करनी पड़ती उनको जो अभी वो कर रहे हैं। तो आई थिंक मोदी ही होंगे जो हमारे नेक्स्ट होंगे पीएम, तो आई विल से ऑल द बेस्ट टू मोदी जी सबसे पहले तो, और बाकी तो सब ऑपोजिशन भी इतना ही ज़रूरी है होने के लिए, क्योंकि अपना अस्तित्व होने के लिए भी ऑपोजिशन ज़रूरी है, तो ये लोग करते हैं करने दो, बाकी मोदी जी इज़ श्योर शॉट विनर। आपको लगता है मतलब जैसे कि ये बाहर से आए हैं तो इनकी एंट्री होने से रही, और क्योंकि मोदी जी यहीं से यू नो ऊपर से बड़े हुए हैं, जो अपने इससे बड़े हुए हैं, तो उनके ही इज़ अ रूटेड पर्सन। मोदी जी इज़ अ वेरी रूटेड पर्सन एज यू से, और गुजरात के हैं ऑफकोर्स, गुजराती का एक सेंटिमेंट है उनके लिए, हर एक गुजराती का, तो वो तो है, और जो उन्होंने काम किए हैं वो भी दिख रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ गुजराती है इसीलिए हम उनको प्रमोट कर रहे हैं या उसको उनको सपोर्ट कर रहे हैं, उन्होंने इतने सालों में जो भी वो सत्ता में रहे हैं, पावर में रहे हैं, उन्होंने बहुत काम किया है गुजरात के लिए, पूरे इंडिया के लिए एक्चुअली काम किया है, इतने देशों में घूमना, इतने देशों के साथ ट्रीटीज़ साइन करना, उनके पीएम से मिलना, ये कोई इजी बात नहीं है। एंड ही इज़ ऑल्सो मतलब आई थिंक 70 आसपास के हैं, तो उनको भी थकान महसूस होती होगी, लेकिन फिर भी ही इज़ ऑन हिज टोज ऑलवेज, ना ही कुछ कांग्रेस दिख रहा है, ना ही आप दिख रहा है, ना ही कुछ, लेकिन आई एम अ प्रो बीजेपी सपोर्टर, और मैं बीजेपी से जुड़ा हुआ हूँ कई अलग अलग रीतों से, और उनके नेताओं से भी मेरी वार्तालाप होती रहती है कई बार। तो नरेंद्र मोदी का जो अभी जो ओल्ड सिनेरियो है पूरा, वो अभी बहुत मतलब बोलते हैं ना पावरफुल है, तो इसमें मुझे कोई दूसरी उसमें कुछ दिख नहीं रही है, ना ही कांग्रेस ना ही आप। आप पॉलिटिकल कैंपेन्स में भी जो है जुड़ रहे हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं,
तो क्या एक मैसेज दे रहे हैं अपने सुरीली आवाज में, हमें सुनाइए। बिकॉज मैं देखती हूँ कि यहाँ पे जो बीजेपी सपोर्टर्स है वो मोदी जी के इस डायलॉग को क्या गुजरात मैं बनाव्यू छे अपने आप में बहुत ही दिल में बसा। अतूट अविश्वास छे वर्षोनो संगात छे, अतूट अविश्वास छे वर्षोनो संगात छे। आ गुजरात गुजरात हमने बनाया। वो पूरी क्रेडिट नहीं ले रहे हैं, ये हर एक गुजराती को बोल रहे हैं कि आप उसकी क्रेडिट लो, क्योंकि आप कहीं ना कहीं गुजरात से हो, गुजरात में रहते हो, गुजरात के एनवायरनमेंट में आपका योगदान है, उनके उसके इंफ्रास्ट्रक्चर में आपका योगदान है। तो कई जगह पे सेल्फीज वो कटआउट्स बने हुए हैं जिसमें नरेंद्र मोदी भी है और हम भी खड़े रह के हम बोल रहे हैं कि गुजरात मैं बना रही हूँ। इट्स समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग टू सी वेदर आ गुजरात मैं बना रही हूँ दिस वेरी पर्टिकुलर स्लोगन एंड ऑल द सेवरल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स एंड अदर प्रोजेक्ट्स दैट हैव बीन मेड एंड ब्रॉट इनटू द लाइट बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, वेदर दे समवेयर ब्रिंग इन अ बिग विक्ट्री फॉर बीजेपी। एज वी सी देयर आर सेवरल एक्टर एक्ट्रेसेस हु आर गोइंग अहेड and supporting BJP, it's something interesting to see whether it's common man also that counts all of these advantages and go ahead and vote for BJP.